अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हुजूर, मेरा नाम शाहिद रियाज है और मैं कासल नोट से आया हूँ। मेरा सवाल ये था कि जो हाथों की लकीरें होती हैं, वो जो लोग बताते हैं फजूल है, इसकी किस्म ये है, इसकी किस्म ये है, क्या वो सारा कुछ झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, समझे हो? तुम किसी से पूछ के देख लो तुम्हारा क्या बनेगा, तो सब गलत साबित होगा। ठीक है, एक दफा मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, इंग्लिश अमेरिका से एक ऐसा शख्स जो जायचों वगैरह का कायल था और अमेरिका के प्रेसिडेंट का जायचा बनाने वाली जो औरत थी या मर्द था जो भी था उसका भी वो वाकिफ था, उसने मुझे लिखा खत में कि मुझे आप अपनी तारीख पैदाइश और ये बात और वो बात लिख कर भेजें तो दुनिया का जो सबसे बड़ा जायचा बनाने वाला है मैं उससे आपका आइंदा का हाल लिखकर आपको बताऊंगा। मैंने कहा पहले मैं इससे कि मेरा बताओ, मैं दो आदमियों का लिखता हूँ जो तुमने चीज़ें पूछी हैं, उनका हाल मुझे पहले उससे पूछ के बताओ। वो दोनों पता कौन थे? एक मेरे भाई मिर्ज़ा खलील अहमद जो फौत हो चुके हैं और एक मेरे बहनोई सैयद मीर दाऊद अहमद साहब जो फौत हो चुके थे। उन दोनों का मैंने हाल साल वगैरह लिख कर भेज दिया। उसका जो जवाब आया, बेचारे ने पैसे भी काफ़ी खर्च किए होंगे उस औरत पर या उस मर्द पर, उसका जवाब यह था कि मिर्ज़ा खलील अहमद को 1990 में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए बड़ा खतरनाक साल साबित होगा, और मीर दाऊद अहमद साहब को फलां साल में कारोबार करना चाहिए क्योंकि वो साल उनके लिए बड़ी बरकत वाला होगा। वो दोनों ही फौत हो चुके थे, तो सब झूठ है, समझे? पैसे कमाने के लिए धोखा देते हैं लोग। बैठ जाओ। आखिर